घास को चढ़ते हुए इस बालू नाम के इम्पाला को अपने आसपास खतरा महसूस होता है। तभी बालू की नज़र तेंदुए पर पड़ जाती है, लेकिन फिर भी बालू तेंदुए को अनदेखा करके केवल घास को चढ़ने में ध्यान देता है, क्योंकि काली गुफा में बैठे सफ़ेद बाबा के अनुसार बालू की मौत बीमारी से होनी तय होती है। और इसी भविष्यवाणी को मद्देनजर रखते हुए बालू तेंदुए को सीरियस नहीं लेता। ये तेंदुआ भी बड़ा शातिर होता है। जब जब बालू घास को चढ़ता है, तब तब तेंदुआ उसके और करीब जाता है। बालू मनी मन में बोलता है, हे मेरे सफ़ेद बाबा, आसपास खतरा होने के बाद भी मैं एक इंच भी नहीं हिला, क्योंकि तेरे होते हुए मैं हिलेगा नहीं साला। इधर ये तेंदुआ बालू के और करीब आ जाता है। तभी हिम्मत करके बालू तेंदुए को बोलता है, तू इतना मुझे घूर के क्यों देखता है? जवाब में तेंदुआ बोलता है, डोंट वरी, मैं तुमको घूर के नहीं देख रहा, तुम आराम से घास खाओ। और जैसे ही बालू फिर से अपनी घांटी नीचे करता है, तेंदुआ तुरंत बालू पर हमला बोलता है। घनी झाड़ियों के बीच बालू सफेद बाबा को जोर जोर से गालियां देता है और अपने आप को तेंदुए के हवाले कर देता है।